सुनीता जी और कंचन जी, मैंने भी आपके लिए गिफ्ट रखा है. थैंक यू. थैंक यू. अब मैं लूंगी आपकी एक प्यारी सी पिक्चर. कंचन जी की पूरन पोली की क्रेविंग्स को सुनकर मुझे मेरी मामी की याद आ गई. जब वो प्रेग्नेंट थी तो उन्हें अपनी मम्मी के हाथ की बनाई मटर की कचौड़ी बहुत याद आती थी, और उनकी क्रेविंग्स को पूरी करने के लिए मेरी मम्मा खूब सारी मटर की कचौड़ियां बनाती थी, और इसीलिए आज हम बना रहे हैं मटर की कचौड़ियां. सबसे पहले हम बनाएंगे एक चटपटी सी मटर की फिलिंग. थोड़ा सा ऑयल, और अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरे, किसा हुआ अदरक फॉर दैट लवली जिंजरी फ्लेवर, चॉप की हुई हरी मिर्च, हींग. मुझे ना हींग और मटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा पसंद है. हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, और अब थोड़ी सी लाल मिर्च और चॉप किया हुआ अनियन. अब अनियन को थोड़ा सा सीजन करेंगे और इसे सिर्फ पिंक होने तक भून लेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे हरे मटर. यू नो व्हाट आई रियली लव अबाउट दिस स्टफिंग, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी. For more such wonderful recipes, check our social media handles and visit our website livingfoods.com. और अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला. और मटर की स्टफिंग रेडी है, अब हम इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे. दिस इज वॉट आई लव अबाउट दिस स्टफिंग, सो सिंपल बट सो डिलिशियस. फ्रेश मटर का स्वाद, साथ में जिंजर का स्वाद, तड़कने वाले जीरो का स्वाद. अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे, और जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बना लेते हैं हमारा डो. मैदा, और अब डालेंगे मोइन. मोइन का सीधा हिसाब है, एक कप आटा तो उसका एक चौथाई मोइन. अब थोड़ा सा नमक. स्टफिंग इज स्मेलिंग रियली डिवाइन, वो हींग की भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है. अब हम इसकी छोटी छोटी पेड़ियां बना लेंगे, और अब हम इसे बेल लेंगे. इन कचौड़ियों को आप अपने पसंद की किसी दूसरी फिलिंग के साथ भी बना सकते हैं. मटर की जगह आप पनीर की फिलिंग यूज कर सकते हैं, या फिर अपनी कोई दूसरी फेवरेट वेजिटेबल की फिलिंग यूज कर सकते हैं. अब हम इन पूड़ियों को बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलेंगे और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं बेलेंगे. अगर बहुत ज्यादा मोटी होंगी तो अंदर से बिल्कुल ठीक से नहीं पकेंगी, और हमें तो चाहिए गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ियाँ. और बहुत ज्यादा पतली होंगी तो बहुत जल्दी फट जाएंगी. सबसे पहले मैं तेल गरम होने के लिए चढ़ा देती हूँ, और अब हम फिलिंग को रखेंगे ऐसे सेंटर में. जब मम्मी मामी के लिए ये कचौड़ियां बनाती थी तो हम भी साथ में इन कचौड़ियों को बहुत एंजॉय करते थे. एंड आफ्टर मामीज डिलीवरी कचौड़ियों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, हमेशा चलता है आज भी. बस थोड़ी सी बारिश होती है और कचौड़ियां बनना चालू हो जाती हैं. अब बस इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे. तैयार है मेरी कचौड़ियाँ, अब बस तलना बाकी है. तेल पहले से गर्म हो चुका है. कचौड़ियाँ तलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए. अगर कचौड़ियाँ बहुत गर्म तेल में तलेंगे तो उनमें बबल्स पड़ जाएंगे और ठीक से पकेगी भी नहीं अंदर तक. और तैयार है मेरी गर्मा गर्म मटर की कचौड़ियाँ. तैयार है मेरी मामी वाली मटर कचौड़ी की चाट.